पुलिस की साजिश थी, पुलिस का बचाव हुआ है, पुलिस बचा के ले गई है, आरएसएस के बंदे को बचा रहे हैं, वही सीपी के अंदर वही आरएसएस के बंदे ने पोटू फाड़ा था। ये बाबा साहब का अपमान हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। अरे पूछा था ना आपने, अगर बाबा साहब ना होते तो मैं इस जगह पर नहीं पहुंचता। ये देश के प्रधानमंत्री का जवाब है, ये देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ठीक। और ये बोला था, मेरे भाइयों बहनों, इस दलित समाज पर अत्याचार मत करो, उसके जिम्मेदार मैं हूँ। दलित की क्यों, दलित समाज पर अत्याचार करने वाले यही लोग हैं, आरएसएस वाले लोग, बीजेपी वाले लोग। एक बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, और आज जो बहुजन अधिकार मार्च जो निकाला गया है, आज हम यहाँ पर अपना एंड कर रहे थे, एक बंदा आया टी शर्ट में, जो लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी थी, आके उसने जय भीम के मुर्दाबाद के नारे लगाए, बाबा साहब के मुर्दा नारे लगाए, और उसने बाबा साहब का फोटो फाड़ा गया, और पुलिस के सामने, जबकि पुलिस उसको देख रही है, और पुलिस से एक बंद पुलिस वाला उसको लेके गया गाड़ी में बिठा कर, इतना बड़ा मतलब उसको आरोपियों को लेके जा रहे हैं, पुलिस अपना खुद गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं। वो बताइए कौन लोग हैं, वो आरएसएस के लोग हैं, वो जो आरएसएस की शाखा लगाते हैं, वो खुद के वो लोग हैं। ये फोटो किससे छीना था उसने, हैं, किससे छीना था फोटो? हमारे हाथों से छीना गया था, हमारे हाथों से छीना गया, और उसने छीना के, हमने जब भी पकड़ा उसको, उसके एक ने, हमारे व्यक्ति ने उसमें दो थप्पड़ मारे गए, फिर उसने उसको अरेस्ट करने की कोशिश करी, हमने वहाँ मुर्दा हमने वहाँ छुड़ाने छुड़ाया भी, वहाँ से लेके आए उसको, उसने खुद पुलिस वाला उसको लेके गया। क्यों, एक बाबा साहब का अपमान हो रहा है, ये बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। बड़े अफसर हैं यहाँ तो पुलिस के। अरे बोले अफसर क्या करेंगे, बड़े बड़े अफसर की हंग नहीं पड़ रही मुलजिम अरेस्ट करने के लिए, एक सविता राव के अरेस्ट ने और उसकी हंग नहीं पड़ रही उनको अरेस्ट करने के लिए, जबकि कोर्ट के द्वारा चार धारा लगी पड़ी हैं। कोई आम आदमी होता, अगर उसके पास ये धारा लगी होती तो उसको भी अरेस्ट कर दिया जाता। लेकिन बाबा साहब जो चित्र फाड़ा गया उसमें तो एससी एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दर्ज ये कराना भी चाहिए इनको, इनका ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये खुद सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस वाले। कैसे भाग गया छूट करके, वो लेके गए, छूट कर नहीं भागा, वो लेके गए पुलिस वाले, बचा लिया उसको, बचाया गया भीड़ से बचाया गया है। आप तो बड़ी संख्या में थे, नारे लगा रहे थे बाबा साहब, लगाए उसको भी हमने पकड़ा गया, तो उसे वो जो इंस्पेक्टर था वो लेके गए उसको। ये बाबा साहब से क्यों नफरत करते हैं, क्यों फोटो फाड़ते हैं? देखिए बाबा साहब से आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही 30 तारीख को एक बाबा साहब की फोटो सीपी में भी फाड़ी गई थी, वहां पे भी पुलिस वाले बचा के लेके गए, खुद 500 रुपए में भेज भेज कर उनको बंदों को भेजा जा रहा है बाबा साहब की फोटो फाड़ने के लिए। यहाँ तो सैकड़ों की हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ कैसे आ गए वो ऐसा सामाजिक तत्व? हमने देखा था ना, अभी दौलतराम बहमन यूनिवर्सिटी दिखाया था ना, वही आरएसएस के ज़्यादा लोग नहीं थे, 20 लोग थे, वो 20 लोग इधर से गए और एक बंदा यहाँ भेजा गया, और बैरियर खुद उसने हटाया था आरएसएस के लोगों ने उठाकर और छिड़ाकर बाबा का साहब की फोटो भारी गई। क्यों, पुलिस कर सकती है उस पर धारा लगा सकती है? क्या दिक्कत है बाबा साहब से? बाबा साहब से ये नफरत मांगती है सरकार, नफरत मांगती है ये, क्यों, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती सरकार, नहीं मानती। अगर संविधान को मानते ये चीज नहीं होता यहाँ पे, क्यों दिल्ली पुलिस मौजूद थी? बाबा साहब ने संविधान लिखा है देश का, लिखा है ना, पर पालन क्या कर रहे हैं ये लोग, कहाँ कर रहे हैं ये बताओ? बाबा साहब के फोटो से इतनी बड़ी नफरत हो गई है, कैसे न्याय मिलेगा डॉक्टर ऋतु को? न्याय तो मिलेगा, और न्याय हम दिलवा के जाएंगे, चाहे महीने 2024 हो या 2025 हो, ये चलेगा। अब ये हटने वाला नहीं है, जो 13 महीने जो किसानों का धरना चला था ना, ये वो धरना है, अब ये वही धरना होगा अब। लेकिन जिस तरह से हम ये हमला कर रहे हैं मनुवादी लोग, आज बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी गई है, आपको क्या कुछ लग रहा है इसमें, आगे भी हो सकता है इसमें कार्रवाई का? इसमें मिली भगत है, पुलिस का हड़कंडा है, पुलिस का मिलन भगत है इसमें, पुलिस इनको मिलाया है, पुलिस इनको बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों कि भाई सरकार, अगर इनका पता है ना, सरकार का इनके पीछे डंडा लगेगा, ठीक है, तो इसलिए बचाने काम कर रही है, इतनी बड़ी मुलजिम को बचाने पे काम कर रही है ये। आज ये अभी तो ये बड़ा एक वो था लेक्टर, अभी डायलॉग बहुत लंबा है, अभी तो और निकलेगा भी संघर्ष। तो आज हजारों की संख्या में थे, एक बंदा आपका फोटो फाड़ गया बाबा साहब का, हम क्या कह रहे हैं, पुलिस की साजिश थी वो, तो इस तरह का आंदोलन भी हटवा सकते हैं वो, ऐसे कैसे हटा देंगे? बाबा साहब की तस्वीर फाड़ दी ना, सुन लीजिए, अब ये पुलिस का भी पुतला जलाया जाएगा,
पुलिस का प्रशासन का भी पुतला जलाया जाएगा, रियल में बता रहा हूँ मैं। 2018 में संविधान की भी कॉपी जलाई गई थी दिल्ली के जंतर मंतर पर, आज बाबा साहब की तस्वीर फाड़वा दी। हम क्या कह रहे हैं, इनकी सरकार है। तुम्हारा केजरीवाल भी तो नहीं देख रहा, ये वो केजरीवाल भी बैठा है। केजरीवाल पहलवानों के धंधे में 3 दिन गया था वो, आज वो इसके दरवाजे पे एक दलित की बेटी बैठी है, क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरे हो गए क्या वो हैं? मनीष सिसोदिया दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया, हमारे यूपी के किसानों ने उस मनीष सिसोदिया का पानी लेके आए थे, हम पास करवाया था, आज वही केजरीवाल मुंह छुपा के बैठे हैं वो। लेकिन वो जय भीम मिशन चलाते हैं वो तो। अरे वो सब दिखावा होता है, ये सब दिखावा, ये ढोंग है ये सब। केजरीवाल साहब ढोंग करते हैं ये, और देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा घोटाला करता है। जिस तरह से बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी गई है, क्या लग रहा है आप कुछ सुरक्षा के इंतजाम करोगे यहाँ पर? इंतजाम करेंगे अब, इनका इंतजाम करेंगे अब। अब जो है अभी हम आज रात को मीटिंग कर सकते हैं, हम जो है अपनी मीटिंग करेंगे, आगे क्या करना हमें, अब आगे सीधा हमें दिल्ली जाम करना है। अब ये हमला कर सकते हैं भविष्य में भी आरएसएस वाले? कर सकते हैं, आरएसएस वाले तो हमले ही करते हैं। आरएसएस शाखा क्यों लगाती है पीछे, क्यों शाखा लगाती है? इसी कारण में लगाती है, क्यों कि इनमें दंगा हो, क्योंकि हमारा ये धरना चल रहा है उससे पीछे शाखा चलती है। उससे पहले हमारा धरना चला था पर उसके बाद शाखा नहीं लगती थी, अब ये शाखा लगने लगी, क्यों? क्योंकि एक बाबा साहब का मिशन चल रहा है, एक बाबा साहब की जो विचारधारा थी वो माननी पड़ेंगी हमें। मैं ओबीसी जाते आता हूँ, मैं बाबा साहब की विचारधारा समझता हूँ, मैं बाबा साहब के संविधान पर चलते हैं हम, क्यों कि ये लोग बाबा के विचारधारा पर नहीं चलते ये लोग। मैं आज इनको बताना चाहता हूँ, देशवासियों को, एक बहुजन समाजवासियों को, आज ये आज इस बेटी के साथ में हो रहा है, कल आपकी बेटी को भी साथ में होगा। अरे हमें समझना होगा संविधान के विचारों को, समझना होगा बाबा साहब के विचारों को, समझना होगा। लेकिन संगीनों के साय में बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी गई है, जो गांव में देहात में जो तस्वीरें हैं बाबा साहब की, वो कैसे सुरक्षित रह पाएंगी अब? अब ये जो हम करने वाले हैं ना, अब ये सरकार जान भेजने वाले हैं, और इनके जो इनका भी इंतजाम करेंगे, आरएसएस वालों के लोगों को भी इंतजाम करेंगे अब हम। अब इनका इंतजाम करना पड़ेगा, क्यों? आरएसएस बीजेपी भाईचारा इनका, और ये केजरीवाल भी कम नहीं है। अन्ना हजारी कितना बड़ा था, अन्ना हजारी किसका आदमी था? आरएसएस का था वो। अन्ना हजारी ने इनको ऊपर धर दे गया, केजरीवाल सबसे बड़ा घटिया आदमी है। वो तो कहते कट्टर ईमानदार है, ईमानदार होता ना तो आज ये बेटी बैठी है इसके दरवाजे पर, वो बेटी देखने के लिए आता, क्या ईमानदार है वो? ईमानदार है वो नहीं है? अगर ईमानदार होते ना, ये वही देख लो कोठी में धोखा पड़े हैं, क्यों नहीं आते भाई? अगर इतने असल के हो तो दिल्ली के अंदर आओ, अपनी बेटी को समर्थन दो। जो विधायक तो आ रहे हैं राजनेपाल गौतम, वो आ रहे हैं ना, उन्होंने आए तो वो केजरीवाल क्यों नहीं आ रहे? वहाँ प्रधान गए ना पहलवानों के में, ये पहलवान ये बेटी नहीं है क्या? ये देश की बेटी नहीं है, नागरिक की नहीं है ये? यहाँ क्यों नहीं आते? चंद्रशेखर आजाद 5 दिन पड़े रहे थे, पड़े थे ना, आज वो बेटी के साथ में नहीं है, क्यों नहीं भाई? समाज तो वही है ना, दलित समाज की बेटी है ना वो, तो बताइए। भीम आर्मी के नेता तो आ गए हैं आज, विनय रतन। विनय रतन पर जब पता है ना सरकार सीट की जरूरत पड़ती है इसलिए आए हैं। चंद्रशेखर भाई को भी कोशिश, 70 दिन बाद भी नहीं आए चंद्रशेखर। बहन जी का क्या है, बहन जी को भी तो आना चाहिए ना, बहन जी क्यों नहीं सुनी? जब तक तुम लोकसभा में पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी ना बेटियों की, आज ये बेटी को सुनाई नहीं दे रही, आज ये बेटी नहीं है, बताइए ये बेटी की आवाज़ क्यों नहीं उठाती? हमें ये बेटी को मिलकर आवाज उठाना होगा, और इन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मुंह तोड़ जवाब देंगे 2024 में।